रहस्य से भरी दुनिया में हम इंसान लगातार इन रहस्यों के पीछे दौड़ते रहते हैं और इन रहस्यों को जानने के लिए कभी अंतरिक्ष में ऊंची उड़ानें भरते हैं तो कभी समुद्र में गहरे गोते लगाते हैं और इन उड़ानों और गोतों में हमेशा ही हम इंसानों के हाथ कुछ न कुछ अजीबोगरीब और मिस्टीरियस या फिर कुछ डरावना हाथ लग ही जाता है। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि किसी चीज को पाने के लिए अगर आप मेहनत करते हैं तो वो आपको मिल ही जाती है। ऐसे ही कुछ लोगों ने समुद्र के अंदर मौजूद अजीबोगरीब चीजों को ढूंढने के लिए जब थोड़ी बहुत मेहनत या कहें तो बहुत सारी मेहनत करी, तब उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जिससे बाहरी दुनिया के लोग अब तक पूरी तरह अनजान बैठे थे। चलिए जानते हैं कौन सी थी वो रहस्यमयी और अनोखी चीजें जिन्हें देखकर कुछ लोगों को डर लगता है तो कुछ लोग उनके रहस्यों में उलझ कर रह गए हैं। आइए जानते हैं मिस्टीरियस थिंग्स इन द वाटर। नंबर 9, द लॉस्ट शूज ऑफ टाइटैनिक। दोस्तों, 15 अप्रैल 1912 में अटलांटिक ओशन में आइसबर्ग से टकराकर डूबने वाले टाइटैनिक की दुख भरी कहानी से दुनिया का शायद हर इंसान वाकिफ ही है। जिस समय टाइटैनिक के डूबने की घटना घटी थी उस समय टाइटैनिक पर लगभग 2200 लोग सवार थे, जिनमें से लगभग 1500 लोग अटलांटिक के ठंडे और जमे हुए पानी में डूबकर मर गए थे। 111 साल पहले बीत चुकी ये घटना आज भी अक्सर टीवी चैनल में अपनी डिस्कवरी के चलते खबरों में आ जाती है। साल 1980 में करी गई सबसे पहली खोज के बाद लगातार ही डाइवर्स और खोजकर्ता टाइटैनिक के डूबने वाले स्थान पर जाकर इस जहाज से जुड़ी चीजों को खोजते रहते हैं। इन्हीं खोजों के चलते एक ऐसी खतरनाक खोज लोगों के सामने आई थी जिसे देखने और जानने के बाद कई लोगों की रोंगटे खड़े हो गए। इस खोज के तहत गोताखोरों ने समुद्र की तली से लगभग 100 जोड़ी लेदर के शू ढूंढे। ये 100 जोड़ी लेदर के शू उन लोगों के थे जो टाइटैनिक पर सवार थे और दर्दनाक हादसे में अपनी जान को गवा बैठे थे। हालांकि उनका ढांचा अब तक पूरी तरह से गायब हो चुका था, अब केवल यहां पर ये लेदर के शू ही बाकी रह गए थे। नंबर 8, पैलेस ऑफ क्लियोपेट्रा। इजिप्ट की महान रानी क्लियोपेट्रा के महल की खोज साल 1998 में कुछ मरीन आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा करी गई जो कि इजिप्ट के पास मौजूद समुद्र में लगभग 16 फीट के नीचे मौजूद था। पानी के नीचे बसे इस महल में महारानी क्लियोपेट्रा की बेहद खूबसूरत और विशाल मूर्तियां मौजूद थी। इन मूर्तियों के साथ साथ उस समय की कई प्राचीन और कीमती वस्तुएं भी पानी के नीचे पाई गई थी। इस महल के पानी के नीचे मिलने से आर्कियोलॉजिस्ट को मानो एक नए पाषाण युग की जानकारी मिल गई थी। दोस्तों, क्लियोपेट्रा मिस्र की सबसे खूबसूरत रानी समझी जाती थी, जिन्होंने अपने पिता के महल से लगभग 22 वर्षों तक मिस्र के साम्राज्य पर शासन किया और उनके समय में मिस्र में सबसे ज्यादा सुधार भी किए गए थे। क्लियोपेट्रा के महल की तरह ही हमारे आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा और भी बहुत से पुराने समय के महलों या सभ्यताओं के समुद्र में छुपे होने की उम्मीद करी जा रही है। इनमें से सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन अटलांटिस की खोज भी ये आर्कियोलॉजिस्ट बड़े जोरों शोरों से कर रहे हैं। नंबर 7, द सन कैन स्कल्पचर। दोस्तों, कैरिबियन के कोस्ट ऑफ ग्रेनेडा में पानी के नीचे कई पत्थरों के स्कल्पचर को पाया गया है। कहा जाता है ये स्कल्पचर ब्रिटिश मूर्तिकार टेलर द्वारा पानी के अंदर या तो बनाए गए थे या फिर इन्हें तैयार करके पानी के अंदर लगाया गया था। पानी के अंदर स्थित की गई ये मूर्तियां वहां काफी डरावनी लगती हैं। ये कुल मिलाकर 26 मूर्तियां हैं जो आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, जिन्हें देखकर लोगों को दूर से ही काफी डर लगता है। इन खड़ी हुई मूर्तियों के सर्कल के अंदर की तरफ 18 ऐसी मूर्तियां भी हैं जो सर्कल के बीचों बीच बैठी हुई हैं और देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह लगती हैं। नंबर 6, फॉसिल ग्रेवयार्ड इन द वाटर। दोस्तों, गैसिया के समुद्री गुफा में 2015 में एक ऐसा ग्रेवयार्ड मिला जिसमें कई तरह के फॉसिल्स मौजूद थे। ऐसा माना जा रहा था कि लगभग 16.7 करोड़ साल पहले भूकंप जैसी किसी घटना के बाद ये जीव भूस्खलन की वजह से यहां दफन हो गए होंगे, जिस वजह से ये गुफा इनका ग्रेवयार्ड बन गई। ये ग्रेवयार्ड काफी डरावना था, जिसके अंदर जाने पर बड़े बड़े फॉसिल नजर आ रहे थे। इन फॉसिल्स को जब बाहर लाकर एग्जामिन किया गया तो रिसर्च में आई रिपोर्ट से पता चला कि ये फॉसिल लेमर्स की काफी पुरानी स्पीशीज के थे, जो आकार में डायनासोर से बस थोड़े से ही छोटे होते थे। नंबर 5, एंटीकैथरम मैकेनिज्म। दोस्तों, साल 1901 ग्रीस के एक आइलैंड एंटीकैथरा में
समुद्र की तली में लगभग 2000 साल पहले का एक रोमन आयरिश जहाज कुछ गोताखोरों को नजर आया, जिसे उन्होंने पुरातत्व विभाग को सौंप दिया। पुरातत्व विभाग में जांच के दौरान जो पाया गया वो सर को चकरा देने वाला था, क्योंकि इसमें उन्हें एक चक्री के आकार की गोल आकृति नजर आई थी जिसमें सोलर पैनल लगा हुआ था। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि हजारों साल पहले इस यंत्र को सोलर सिस्टम और ग्रहों की दिशा जानने के लिए बनाया गया होगा और इसका प्रयोग वो मौसम की जानकारी लेने के लिए भी करते होंगे। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि ये मशीन फ्यूचर टेलिंग मशीन हो सकती थी, या कहें तो इस मशीन से भाग्य के बारे में जानकारी दे सकते थे। ये मशीन यकीनन अपने टाइम में इतनी विकसित होगी कि लगभग 15,000 सालों तक इसको कोई भी मशीन रिप्लेस नहीं कर पाई होगी। खुद को सबसे ज्यादा स्मार्ट समझने वाली आज की जनरेशन को यह सोचना चाहिए कि हमसे पहले सदियों पुराने लोग भी काफी माइंडेड होते थे। नंबर 4, लेक मिशिगन मोनोलिथ। दोस्तों, अमेरिका और कनाडा में मौजूद लेक मिशिगन में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा 2014 में करी गई खोज के दौरान एक विशालकाय मोनोलिथ को पाया गया, जो लगभग 10,000 साल पुराने थे और लगभग ब्रिटेन में खोजे गए स्टोन एज के बराबर ही थे। साथ ही ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं थे, बल्कि इन पत्थरों के किनारे पर एक हाथी जैसे जानवर की कलाकृति मौजूद थी, जो इस तरफ इशारा कर रही थी कि ये मोनोलिथ यकीनन आइस एज के समय के ही थे, जो देखने में काफी खतरनाक लग रहे थे। इन पत्थरों और कलाकृतियों से हमें नॉर्थ अमेरिका के लोगों के जीवन के बारे में काफी जानकारी मिल सकती थी। नंबर 3, क्रिप्टस स्टैचू। रूस में मौजूद माउंटेन अपने अंदर छुपाए हुए गोल्ड की वजह से काफी मशहूर हैं, और इसी की खोज करने के लिए वहां पहुंचे कुछ लोगों को गोल्ड के बदले जब एक स्टैचू उनके सामने आया तो कुछ पल के लिए वो थोड़ा डर गए, क्योंकि ये कोई आम स्टैचू ना होकर लगभग 9 फीट लंबा एक लकड़ी का स्टैचू था, जो लगभग 13,000 फीट की गहराई पर मौजूद था। यह स्टैचू लगभग 11,600 साल पुराना बताया जा रहा था, जिस वजह से ये कहीं कहीं से टूट गया था, क्योंकि अगर ये अपनी पूरी लंबाई में होता तो इसकी लंबाई लगभग 17 फीट के बराबर होती। विशेषज्ञों की राय माने तो यह स्टैचू किसी रहस्य को छुपाने के लिए या फिर अजनबी लोगों को खुद से दूर रखने के लिए किसी सिविलाइजेशन का सिंबल रहा होगा। नंबर 2, बिमिनी रोड। दोस्तों, बहामास के पास मौजूद बिमिनी आइलैंड के समुद्र के अंदर बिमिनी रोड को जब पहली बार देखा गया तो लोग काफी शॉक्ड हो गए। ये जानना चाह रहे थे कि आखिर पानी के अंदर मौजूद ये सड़क कहां जा रही है। लगभग आधा मील लंबी ये सड़क पानी में आई कैसे? क्या इसे पानी में ही बनाया गया था, या फिर किसी नेचुरल डिजास्टर ने इसे पानी में लाकर पटक दिया था? इन सभी सवालों को लेकर आर्कियोलॉजिस्ट ने इस एरिया में कई खोज करी और इस नतीजे पर पहुंचे कि ये सड़क यकीनन अटलांटिस की शहर की सड़क होगी, जो अपने शहर के साथ इस पानी के अंदर समा गई होगी। साल 1968 में खोजी गई इस सड़क के लगातार लगाए गए अंदाजों में यह भी कहा गया कि शायद ये सड़क दुनिया के दूसरे द्वार तक जाती है। वैज्ञानिकों की रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से ये सड़क पूरी तरह से मानव निर्मित बताई गई है और कार्बन डेटिंग से इसे लगभग 3,000 साल पहले बनाया गया है, जो लाइम स्टोन ब्लॉक से बनाई गई है। नंबर 1, पॉलिटिक्स सी एनोमिलेव। दोस्तों, 2012 में एक यूएफओ के पॉलिटिक्स सी में मिलने की खबर सामने आई थी। समुद्र के तल में लगभग 285 फीट नीचे प्रोफेशनल डाइवर्स को फैल्कॉन के शेप में एक अजीब सी चीज नजर आई थी, जो लगभग 60 फीट लंबी और 10 से 12 फीट ऊंची थी। और तो और, उन्होंने बताया कि उस अनजानी वस्तु से लगभग 200 मीटर की दूरी पर उनके पास मौजूद सभी मशीनों ने काम करना बंद कर दिया था। वहीं एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा उस वस्तु पर करी गई रिसर्च से जो रिपोर्ट बनी, उस रिपोर्ट के हिसाब से यह वस्तु लगभग 14,000 साल पुरानी थी। इस तरह की रिसर्च के चलते इस वस्तु को एक यूएफओ का ही हिस्सा मान लिया गया था, क्योंकि इस खोज में ही शामिल एक गोताखोर पीटर लैंडबर्ग ने खुद ही ये कबूल किया था कि ये वस्तु इस दुनिया की ना होकर कहीं दूसरी दुनिया की है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको पानी में पाई गई कुछ खतरनाक और अनोखी वस्तुओं को दिखाती हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसलिए इस वीडियो को भरपूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।